शुरुआत से जफर इस्लाम साहब आपसे करते हुए, 3 लाख का टारगेट था, इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए आप लोग? अफवाहों ने इस तरह की स्थिति बना दी देश में। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बहुत नकारात्मक पॉलिसी जो है अपनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रही है इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट देने से लोगों का मनोबल टूटता है। लेकिन आप फिर भी यकीन मानिए, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर हॉस्पिटल के सबसे जो बड़े डॉक्टर है, उन्होंने भी टीका लिया है, और उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आया। देखिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के मतलब कांग्रेस के अफवाह को आप लोग रोक नहीं पाए, इस वजह से ऐसे थी। 3 लाख वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट था और 1,91,000 तक ही वो रह गया। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग ऐसी राजनीति जो कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो गलत है। ये टीका अपने आप चल रहा है और ये पूरे तरह से हम जिस तरह से टारगेट किया है कंप्लीट होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो गलत है। और ये कहने से कि पॉलिटिकल लीडर्स के लेने से लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, ये गलत बात है। डॉक्टर से ही कॉन्फिडेंस आता है। फ्रंटलाइन वॉरियर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, और उन लोगों को लेने से जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जब एम्स के डायरेक्टर स्वयं लेते हैं तो उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आता है। और उनकी तस्वीरें भी इसका पूरा देश देख रहा है। यकीनन इसी सवाल के साथ रोहन जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? पहले तो वैक्सीन को लेकर सवाल, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों ने नहीं लगाया, इसको लेकर सवाल। मतलब एक लाइन तो खींचे कि वैक्सीन ठीक है या नहीं है, या प्रधानमंत्री मोदी अगर ले लेते तो उस पर कांग्रेस पार्टी का भी भरोसा ज्यादा बढ़ जाता और फिर वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होती। चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता देखी होती और सुनी होती तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछती। कांग्रेस पार्टी ने डे वन पे जब दोनों वैक्सीन आई तब उसका स्वागत किया, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का हमने हौसला बढ़ाया। मुद्दा यहाँ पे वैक्सीन की बात का नहीं, मुद्दा है यहाँ पे जब बिहार के चुनाव के पहले जब भाजपा ये कहती है कि बिहार के सब लोगों को हम फ्री मुफ्त वैक्सीन देंगे, तब ये वादा क्यों पलट जाता है चुनाव के परिणाम के बाद? मुद्दा ये आता है जब 31 अक्टूबर को नेशनल एड्रेस में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको वैक्सीन दी जाएगी, ये वादे से क्यों मुकर रहे हैं? फ्री की बात आ रही है तो भी वो मुकर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे आज हमने जो उठाया, चित्रा जी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो 200 रुपए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि कोविशील्ड कॉस्ट पे दे रही है, वही टीका 158 रुपए में वहां पे बेल्जियम में दिया जा रहा है, पहला सवाल वो। और ये भी कहा गया कि ओपन मार्केट में इसको 1000 रुपए में बेचा जाएगा। अगर आपको लगता है कि एसेंशियल चीज है, हमारे लिए देश के लिए जरूरी है, तो 200 रुपए की चीज 1000 में क्यों? और तीसरी आखिरी चीज, अभी जो सरकार का जो प्लानिंग दिख रहा है वो करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का प्लानिंग है। हमारा ये सवाल है कि आप 130 करोड़ लोगों का प्लानिंग दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज का आज वैक्सीन दीजिए, पर आपका जो प्लानिंग है, देश की जिम्मेदारी है। इस देश ने बहुत बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किए हो, वो पोलियो की बात, वो कोलेरा की बात, वो देश ने किया है, हम सब सरकार के साथ में। पर जवाब तो देने पड़ेंगे चित्रा जी, जब आपने वादा किया कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन और क्वालिटी वैक्सीन दी जाएगी, तब आपको उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आप दूसरी चीज कहाँ डाइवर्ट, किसने सवाल पूछा क्वालिटी पे? किसी ने सवाल नहीं पूछा। हम आपके साथ खड़े, पर जवाब जब सवाल पूछा जाए तब सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा सवाल मत पूछिए, गुमराह मत कीजिए कांग्रेस जी। मैं अब देखिए, कुछ चुप करे, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूँ कि इनको शायद नहीं जानकारी है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी बताया है कि पूरा रोड मैप दिया है। दुनिया में अभी तक 2.5 करोड़ वितरण के वैक्सीनेशन की बात हो रही है पूरे दुनिया में। 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, हमने 30 करोड़ का ऑलरेडी रोड मैप दिया है। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर, उसके बाद इसमें 80 लाख जो है डॉक्टर, नर्सेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में, और बाकी जो 2 करोड़ 20 लाख है वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिसकर्मी, सबको मिला के 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद हमने 27 करोड़ लोगों को, जो कि 50 साल उम्र से ज्यादा है या 50 साल से कम भी है, लेकिन उनको कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पुरानी बीमारी है, इसकी वजह से उनको भी, उनकी भी सूची में रखा गया है। तो 2.5 करोड़ बनाम 30 करोड़, अभी शर्म आनी चाहिए इनको, कांग्रेसियों को, कि ये पूरे दुनिया सरा रही है, ये बेशरम लोग, बेशरम हो गए राजनीति में, इतने इन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में, किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में शर्म नहीं आता है। ये लोग राजनीति खत्म हो चुकी है, इनको पता चला है कि राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये पार्टी जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। अरे आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आज हिंदुस्तान पूरा देश
बोल दीजिए, अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, इनको चुप करा, एक बार मुजफ्फर साहब आप अपनी बात बोल दीजिए, रोहन जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ, और यहाँ पर तो टीएमसी कहीं ज्यादा आगे निकल गई है, दो दो नेता जाकर जबरदस्ती ही वैक्सीन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान दोहराने की हिम्मत नहीं, नहीं रोहन गुप्ता जी, नहीं नहीं रोहन गुप्ता जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वैक्सीन ज्यादा लगा लेते तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भरोसा हो जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो रणदीप सुरजेवाला का ये बयान पूरे वर्ल्ड में, रणदीप सुरजेवाला जी का ये बयान, ये सब जो है, सुनिए मैं इसका जवाब, अगर वो पहले लगवा ले तो ये होगा कि खुद को सेव करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बाद में लगवा रहे हैं या अभी पहले नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी आप लोगों को दिक्कत है। 3 लाख लोगों के सामने 1.5 लाख लोगों ने वैक्सीन दिया, तो मेरा सवाल यही है कि जब पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश के एक आदर्श होते हैं, अगर वो लेते तो अच्छा, उसमें कोई गलत बात हमने नहीं की। दूसरी बात, मैं ये चीज आपको फिर इस सवाल के साथ रोहन गुप्ता जी आप लोग आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री खुद को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं, 30 सेकंड दीजिए, वो सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, ये भी तो बात थी ना, चुनाव बिहार चुनाव के पहले देखिए इनके राज्य में सबको वैक्सीन दी जाएगी, इनके बातों में कोई दम नहीं है, कितना बोल दीजिए सबको की बातें करते हैं, कोई सवाल नहीं, इनके बातों का आप देखते हैं, आप कैसे उठाए चित्रजी, अगर प्रधानमंत्री पहले स्वयं लेते तो ये कहते कि प्रधानमंत्री ने को अपनी चिंता है, 1000 रुपए में एक वैक्सीन, 2000 रुपए और दूसरी बात बताता हूँ, एक मिनट में दूसरी बात बताता हूँ, कोई फायदा नहीं करा है लोगों का कोरोना काल में, और आप वापस वैक्सीनेशन जनता को मुफ्त का कवर कर रहे हो, 2 लाख करोड़ रुपए क्यों, यूरोप का 200 रुपए की चीज 158 रुपए की चीज का 2000 रुपए क्यों देंगे, 1000 रुपए क्यों दोगे, ठीक है एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, वैक्सीन सुरक्षित है तो किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाया, मनीष तिवारी ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी और मंत्रियों को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि जनता में भरोसा कायम हो, ये बात रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं, कोई एक लाइन तो रोहन गुप्ता जी पूछिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं कि वैक्सीन थर्ड फेज का ट्रायल क्यों नहीं किया गया।